ट्रेन में चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया है। तो गाइस आप लोग पहली बार देख सकते हैं मेरा ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा हम इसको नहीं लाते हैं ब्लॉग में। तो हाय बोलो। और सबसे पूरा रेडी हो चुके हैं, सबसे पूरा ड्रेसअप है गाइस। आ रहा है मतलब जाना कहाँ है हम लोग को, किधर जाना है। तो चलिए जैसे इंस्ट्रक्शन मिला हम लोग को ऐसे। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, और आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वैसे आप लोगों से सॉरी है गाइस, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, और ब्लॉग ना बनाने का भी बहुत सारा रीज़न है गाइस, वो आप लोग को बाद में बताएंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं साहेबगंज का रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे रेलवे क्या बोलते हैं इंजन, पुराने ज़माने का इंजन रखा हुआ है एक मेमोरी के तौर पर। और इधर मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस। और गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोरारोई हाथीमारा, वहाँ पर यूथ कन्वेंशन है हम लोग का, और हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स सब आए हैं, मतलब हम लोग का जो पारिश है वहाँ से हम लोग बहुत सारे आए हैं। और अभी हम लोग जाएंगे अंदर, क्योंकि वो लोग पहले ही अंदर चले गए हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं अंदर में। और जो कोई भी मतलब यूथ कन्वेंशन क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं जानते हैं, तो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और आप लोग को दिखाएँगे ज़रूर क्या होता है, बताएँगे आप लोग अच्छा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और मेरे कुछ फ्रेंड्स है गाइस। इधर देखो सबसे हाय बोलो। और सबसे पूरा रेडी हो चुके हैं, सबसे पूरा ड्रेसअप है गाइस, उधर देख लीजिए पूरा सबसे। और यहाँ देखिए मास्क वाला लड़का जो बहुत ही हैंडसम है, स्मार्ट है, हम लोग जरूर झूठ बोल रहे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। भेंट कराएंगे आप लोग को इससे पर्सनली। तो अभी जाते हैं अंदर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और वैसे हम लोग का टाइम तो नहीं हुआ अभी ट्रेन का, और वैसे हम लोग जा रहे हैं गाइस 10 बजे वाला ट्रेन से, तो वो देखते हैं कब आएगा, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग को ट्रेन में। तो गाइस अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ पटरी के पीछे, और अभी हम लोग का गाड़ी आ रहा है गाइस, इधर से देख सकते हैं। और इधर हम लोग का अभी सबको रेडी हो चुका है। तो गाइस सब लोग अंदर घुस चुके हैं ट्रेन के अंदर, और देख सकते हैं मेरे साथ मेरा भाई अजीत, उसको गाइस आप लोग पहली बार देख सकते हैं मेरा ब्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा हम उसको नहीं लाते हैं ब्लॉग में। तो अपने बारे में कुछ बताओ। अपना नाम? मेरा नाम है अजीत टुडू। और मैं इसका छोटा भाई बोलो। मैं इसका छोटा भाई हूँ। हाँ तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, और वैसे सबको चढ़ गए हैं, और सबको चढ़ गए हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे अपना अपना सीट देखेंगे, देखते हैं कहाँ पे मिला है, मिला है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो भी ठीक है गाइस, हम लोग दरवाज़ा में एडजस्ट कर लेंगे, क्या बोलते हैं। तो गाइस हम लोग बरहरा स्टेशन पहुँच चुके हैं, और ये रहा हम लोग का ट्रेन उधर पीछे तरफ। और मैं अभी तो यहाँ नीचे उतरा हूँ गाइस, थोड़ा सा कुछ पानी वानी पीने के लिए, थोड़ा ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है, आप लोग को दिख ही रहा दिख सकता है गाइस बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या डील कर रहा है यहाँ पे, ये लोग आपस में डील कर रहा है। आप लोग क्या डील कर रहे हैं भाई, मेरा डील कर रहे हैं कि इसको कब मारेंगे, गजब बेइज्जती है। हम तो ऐसे ही, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बहुत नटखट करता है ये लड़का, वो मेरे डार्लिंग। यहाँ देखिए सोता हुआ लड़का। तो ठीक है गाइस हम लोग जाते हैं आगे, और थोड़ा सा कुछ सामान वामान लेंगे यहाँ पे। और वैसे अभी देखा जाए तो गाइस अभी हो रहा है टाइम 12:02 शायद मेरे ख्याल से, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है हम लोग का, और गाड़ी कब खुलती है यहाँ से। अभी हम लोग जाएंगे उधर थोड़ा ठंडा उंडा पी के, उसके बाद आएंगे अपना बोगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्टेशन पे जिसका नाम है गुमानी, और यहाँ पे हम लोग का ट्रेन रुका हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं उधर पीछे। और यहाँ देखिए मेरे साथ विजय बैठा हुआ है, हम लोग ना रेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा है गाइस, और ट्रेन में चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया है, और इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं। वैसे गाइस आप लोग को मैं बता दूँ कि हम लोग वहाँ जो हाथीमारा में जा रहे हैं वो है यूथ कन्वेंशन, और वो जो यूथ कन्वेंशन होता है गाइस वो मतलब संथाल परगना में होता है, और यहाँ पे बहुत सारे जोन से आते हैं, जैसे हाथीमारा जोन हुआ, फिर इधर साहिबगंज जोन हुआ, फिर उधर अक्का हुआ बंगाल में मजलिसपुर, बहुत सारे जोन से भी आते हैं, 9-10 शायद इस बार हम लोग 9 या 10 जोन से आ रहे हैं वहाँ पर। बहुत सारे जो यूथ होते हैं गाइस वो ऐसे ही गांव में मतलब रहते हैं, भटके हुए रहते हैं, या तो कुछ अच्छा काम मतलब जो डिसीज़न होता है वो नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में जेसुइट वाले जो फादर सब होते हैं वो लोग कुछ मतलब एक टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं साल में एक बार, और यहाँ पे आके मतलब जो जितने भी यूथ होते हैं सब पे आते हैं, और यहाँ पर उन सब का प्रोग्राम होता है, और वो लोग को ट्रेन किया जाता है।
आगे क्या करेंगे क्या नहीं, और लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट किया जाता है गाइस वो सबको। सो गाइस हम लोग मरारा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये देखिए हम लोग का ट्रेन वो जा रही है यहाँ से, और हम लोग उतर के अभी जाएंगे हाथीमारा। देखिए हम लोग का सामान सब कितना ज़्यादा लाए हैं गाइस हम लोग, और अभी हम लोग जाएंगे देखते हैं। यहाँ पे तो एक बार आए थे गाइस बहुत ही ज़्यादा पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले आए थे, हम और मेरा एक दोस्त है हम दोनों आए थे, और अभी देखिए हम लोग आए हैं फिर से 2-3 साल के बाद। अभी ठीक से याद तो नहीं आ रहा है मतलब जाना कहाँ है हम लोग को, किधर जाना है, तो चलिए जैसे इंस्ट्रक्शन मिला है हम लोग को ऐसे जाते हैं। और एक बार पीछे देख सकते हैं गाइस कितना ही ज़्यादा आदमी सब है, लड़की सब है, लड़का भी है और हम लोग भी हैं इधर। यहाँ पे और एक देख सकते हैं ब्लॉगर भैया देखिए मेरा साइलेंट ब्लॉग है, साइलेंट ब्लॉगर ये हमारे यूथ। अभी हम लोग जाते हैं गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप दे रहा है जो कि हमको भी बहुत गंदा लग रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं अभी हम गंजी पहने हुए हैं इधर, और उधर देखिए हम लोग का लीडर। राइट 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 साइड, वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, फिर वहाँ से नीचे तो इधर। चलो दिलाबून, सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हाथीमारा का चौक, हाथीमारा मिशन जो जाता है वो चौक पहुँच चुके हैं गाइस, और हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। देख सकते हैं मेरे साथ विजय है और हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितना दूर होगा यहाँ से, मेरे पीछे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को ज़रूर भेंट कराएँगे वो लोग से। और अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, पता नहीं कितना दूर होगा गाइस, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है अपने को। और विजय कुछ बोलना चाहता है आप लोगों से, कुछ बोलिए। क्या बोलेंगे, फर्स्ट बार आ रहे हैं इसलिए कुछ नहीं बोल पाएंगे अभी क्या। अच्छा कोई नहीं गाइस, आप लोग को मिलते हैं वहीं पे पहुंच के, जब हम लोग बाउंड्री घुसेंगे तब सब लोग को दिखाएंगे कि वहां पे कैसा है, कितनी कितनी चिक्स आई है हम लोग के साथ, और भेंट भी कराएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हाथीमारा का स्वागत मिशन में, और ये देखिए हम लोग का स्वागत किया जा रहा है गाइस यहाँ पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। पता नहीं हम लोग को किधर में स्टे करना है, कोई आइडिया नहीं है अपने को। जैसे हम लोग पहुँच चुके हैं इधर, यहाँ का कैंपस भी देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मेरे जो साथी हैं गाइस वो लोग पीछे आ रहे हैं, हम लोग आगे हो गए थे बहुत ही ज़्यादा क्योंकि वो लोग इरीटेट कर रहे थे गाइस हम लोग को। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग टोटो से ही आएँगे यहाँ तक, टोटो से ही आएँगे, पर हम लोग सोचे कि नहीं भाई पैदल ही मार लेते हैं, और इसलिए हम लोग पैदल ही आए हैं गाइस। और देखिए वहाँ पीछे तरफ से एक लड़का आ गया है अभी दौड़ते दौड़ते, और हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली फाइनली। और यहाँ देखिए चेकआउट कीजिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ का सीन। यह है शायद चर्च होगा, मेरे को कुछ नहीं पता, उस साइड है देखो भाई, मेरे को नहीं पता क्या है, बट कैंपस एक बार चेकआउट कीजिए। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड, तीन तीन ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंद, और हमारे यूथ जो, और उधर से देखिए उधर से यूथ सब आ रहे हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:00 और हम लोग यहाँ पहुँचे 4:00। हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर खाना वाना खा के हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो भी है हम लोगों ने किया, और सामान सब रख करके गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा उधर प्रेयर करने के लिए। सो गाइस अभी करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।